Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार भारतीय राजनीति से संबंधित चर्चा की अपनी श्रृंखला के इस आखिरी कड़ी में मैं आपसे भारतीय राज्य की प्रकृति और उससे जुड़े वाद विवादों की चर्चा करूंगा। जब हम भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में बात करते हैं तो इसे विश्लेषित करना अपने आप में एक जटिल और पेचीदा काम माना जाता है क्योंकि जब आप राज्य की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको यह ध्यान देना होता है कि एक राज्य आ, मोटे तौर पर किस दिशा में या किन पहलुओं से जूझते हुए आ, काम कर रहा है किस पर उसका प्रभाव ज़्यादा है किस समूह का उसकी दिशा क्या है उसकी जो नीतियाँ अपनाई जा, अपना जा रही हैं उस पर किसका ज़्यादा प्रभाव है तो यह हमेशा ही अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम रहा है अलग अलग जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं या भारतीय राजनीतिक अध्येता हैं या अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अलग अलग समय पर यह कोशिश जरूर की है और हम उन्हीं कोशिशों में से कुछ उदाहरणों पर अपनी नज़र डालेंगे जो प्रमुख प्रयास हैं भारतीय राज्य की प्रकृति की व्याख्या करने के उनके बारे में हम विचार करेंगे और निश्चित रूप से हमें हमेशा ही यह याद रखना होगा कि ये अपने आप में बिल्कुल पूर्ण नहीं माने जा सकते हैं और इन सब की कई सीमाएं या कई समीक्षाएं भी सामने आई हैं मैं भी उस तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा पर मोटे तौर पर हम जब भारतीय राज्य की प्रकृति की यह चर्चा करेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन अलग अलग जो व्याख्याएं हैं उनकी एक साफ समझ बना सकें अगर मैं अपने आज की चर्चा का जो कि जो पूरी एक रूपरेखा है उसके बारे में आपसे बात करूं तो सबसे पहले हम यह समझेंगे की स्वतंत्रता प्राप्ति क्या थी और समाज विज्ञान में सत्तर के दशक तक भारतीय राज्य की किस तरह की व्याख्याएं सामने आई क्यों नए तरह की व्याख्या की जरूरत पड़ी अस्सी के दशक में कोठारी यानी कि रजनी कोठारी ने किस तरह की व्याख्या दी अस्सी के दशक में ही मार्क्सवादी विश्लेषण किस तरीके का था और फिर बाद के दौर में विशेष रूप से हम पार्थ चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आ, अगर हम आज़ादी के समय भारत की स्थिति की बात करें तो सबसे बुनियादी चीज़ जो हम सब के सामने साफ़ है वह यह है कि 1950 में संवैधानिक गणराज्य के रूप में जिस भारतीय राज्य की नींव पड़ी उसकी बनावट कई नए और कई पुराने तत्वों से मिलकर हुई थी इसके चरित्र की व्याख्या करने वाले कई मॉडल समाज विज्ञान में प्रचलित हैं पिछले 60 से 70 सालों में भारतीय राज्य कई तरह के परिवर्तनों और विकास क्रमों से गुजरा है और इस प्रक्रिया में उसकी संरचना पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा हो गई है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो स्थिति थी उसमें आ, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने यानी कि भारत ने कई नई तरह की चीज़ों को अपनाया और उन नए तरह की चीज़ों ने एक आ, क्रांतिकारी बदलाव की ओर संकेत भी दिया और दूसरे स्तर पर हम यह भी देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निरंतरता के रूप में भारतीय संविधान में अपना ली गई अपने उद्घाटन के समय जो भारतीय राज्य था उसके कुछ आयाम इस प्रकार थे सार्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संप्रभु विधायिका यानि कि जो आ, एक वयस्क लोगों उम्र की उम्र तय की गई थी उसके ऊपर सभी लोगों को उनके जाति उनके धर्म उनके आर्थिक स्थिति या उनके लिंग के परवाह किए बिना मताधिकार दिया गया उस समय यह सीमा 21 वर्ष थी और बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये लोग चुनाव में वोट डालते थे और इसके आधार पर जो विधायिका चुनी जाती थी जो संसद चुनी जाती थी लोकसभा का जो निर्वाचन होता था वह उसे संप्रभु विधायिका के रूप का दर का दर्जा दिया गया और राज्यों में यही स्थिति विधानसभा को प्राप्त हुई तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान न होने के बावजूद इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई संविधान द्वारा सभी नागरिकों के मूलाधिकारों की गारंटी दी गई और पीछे जब इसी श्रृंखला में एक लेक्चर्स में मैंने मूल अधिकारों की चर्चा की थी तब विस्तार से मैंने बताया था कि किस तरीके के मौलिक अधिकार हमारे देश के संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए वाद विवाद किस प्रकार से हैं लेकिन निश्चित रूप से यह अपने आप में एक नवीन चीज़ थी क्योंकि औपनिवेशिक दौर में इस तरीके का अधिकार जो है वो लोगों को प्राप्त नहीं था शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई संसद के प्रति इसमें कार्यपालिका जवाबदेह होती है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के जरिए राष्ट्रपति को चुने जाने की व्यवस्था अपनाई गई स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई और जिसे कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार था हालांकि जब हम लोग न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे इसी श्रृंखला के एक एपिसोड में तो वहाँ मैंने यह स्पष्ट किया था कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच में संसद के बीच में एक लंबा वाद विवाद रहा कि क्या संसद को संविधान के हर भाग का संशोधन करने का अधिकार है या फिर न्यायपालिका उसकी भी समीक्षा कर सकती है और वो जो पूरी एक स्थिति बनी टकराव की बाद में उसका एक समाधान जो है वो केशवानंद भारती मामले में जो निर्णय आया उसके रूप में हुआ जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है तो इस लिहाज से संविधान द्वारा संसद को एक महत्वपूर्ण और या बहुत सारी महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई और कुछ शक्तियाँ न्यायपालिका ने जो से शक्ति संविधान के द्वारा मिली हुई थी संसद के साथ संसद को शक्ति दी गई कार्यपालिका को शक्ति दी गई और न्यायपालिका को भी तो न्यायपालिका ने बहुत सारी शक्तियां बाद के व्यवहार से भी हासिल की दूसरी एक अन्य जो विशेषता थी वो थी केंद्राभिमुख संघात्मक प्रणाली जिसमें राज्य सरकार ही अपनी विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होती हैं लेकिन शक्तियों का बंटवारे का जो पड़ला है वो केंद्र की के तरफ झुका हुआ है और यह बात बिल्कुल साफ़ है कि किस तरीके से जो एक केंद्र सूची सम्वर्ती सूची और राज्य सूची की व्यवस्था की गई है उसमें समवर्ती सूची में भी केंद्र को प्रमुखता दी गई है इसके अलावे आपातकालीन स्थितियों में केंद्र को के पास कई ऐसे संवैधानिक प्रावधान हैं जिसका उपयोग करके वह राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर सकता है उनके शासन में हस्तक्षेप कर सकता है और संघवाद से संबंधित जो जो हमारा है, जो हमारा है है डिस्कशन उसमें मैंने इस इन पहलुओं को आ, काफी साफ तरीके से रखा है अब जो आजादी के समय जो भारतीय राज्य सामने आया उस पे इस राज्य के पुराने पहलुओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय अंग्रेजों की विरासत के रूप में मिला प्रशासकीय ढांचा था आज़ाद भारत का आकार औपनिवेशिक भारत के मुकाबले काफ़ी बड़ा था क्योंकि जो देसी रियासतें थीं वो भी इसमें सम्मिलित हो चुकी थीं अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस आई के हाथों में प्रशासन की बागडोर रहती थी उसी तर्ज पर आई यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का गठन किया गया साथ ही में अंग्रेजों के ही नमूने पर पी सी एस प्रांतीय प्रशासनिक सेवा भी बनाई गई मुख्य प्रशासनिक इकाई भी ज़िले को ही बनाया गया और पहले की ही तरह एक आई अफसर को जिले की कानून व्यवस्था कायम रखने और वैकासिक कार्य की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी गई इस अफसर को जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी या कलेक्टर तो होना ही था साथ ही वो मुख्य न्यायाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट भी था और ये ये जो मुख्य न्यायाधिकारी खैर जुडिशरी की एक अलग व्यवस्था थी पर इन्हें कई बार डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है और जो जुडिशरी लोअर लेवल की जुडिशरी होती है वो कई अन्य मामलों को जो फौजदारी और दीवानी मामले होते हैं उससे संबंधित होते हैं तो कुछ मामले जो थे वो डीएम के को एक सर्वोच्च अधिकारी के रूप में दे उन्हें दिया गया और वहाँ पर एक न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो भी कायम हुई और वो अलग तरीके के मामलों को देखती है तो न्यायपालिका में भी सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और फिर जिला स्तरीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था जो आ, आ, जिला मजिस्ट्रेट की थी वह एक कॉलोनियल लीगेसी से ही हमारे पास आ रही थी और यह भी उल्लेखनीय है कि फौजदारी और दीवानी कानून भी अंग्रेजों वाला ही रहा चाहे वो आ, इंडियन पिनल कोड हो चाहे वो सीआरपीसी हो वो सभी के सभी अंग्रेजों के समय में जैसे चल रहे थे वैसे ही उन्हें स्वीकार किया गया उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों ने अंग्रेजों द्वारा स्थापित कानूनी परंपराओं और रिवाजों का पालन करना जारी रखा यहाँ तक कि वनों के मामले में भी जो आ, कानून था जिसकी काफ़ी आलोचना होती थी 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट उसको भी कायम रखा गया संविधान में बाकायदा इसका प्रावधान किया गया इसमें आ, जो पूरी स्थिति थी उसमें नई बात केवल सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और नई संवैधानिक प्रणाली में उसकी विशेष स्थिति थी अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त फौज का पेशेवर और गैर राजनीतिक चरित्र सुरक्षित रखा गया उसकी बागडोर पहले की ही तरह राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में रखी गई तो एक तरीके से ये जो पूरा वर्णन मैंने आपके सामने रखा उसका जो एक साफ अर्थ उभर कर सामने आता है वह यह कि अपने संविधान के साथ हमने यानी कि भारत ने एक नए तरह के जीवन में प्रवेश किया जहाँ पर नागरिकों को और समूहों को कई अधिकार दिए गए और जो शासन की व्यवस्था थी उसको जवाब जवाबदेह बनाने के लिए कई प्रावधान किए गए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जो पुरानी व्यवस्था थी उससे भी ली गई या उसको भी जारी रखा गया और कई बार उसकी भी आलोचना की जाती रही है बहरहाल अगर हम समाज विज्ञान में सत्तर के दशक तक भारतीय राज्य की व्याख्याओं पर ध्यान दें तो हमें कुल मिलाकर चार तरह की व्याख्याएं देखने को मिलती हैं ये मोटे तौर पर एक वर्गीकरण है आ, कोई दूसरा विद्वान आकर इसमें इक्का दुक्का और व्याख्याओं को जोड़ सकता है लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह ये कुल इस तरह की व्याख्याओं को कुल चार भागों में बांटा जा सकता है पहली व्याख्या आधुनिकीकरण के उदारवादी सिद्धांत के पैरोकारों की थी भारतीय प्रयोग को सराहना और उम्मीद के साथ देखते हुए इन विद्वानों की मान्यता थी कि जैसे जैसे लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रणाली का विकास होगा वैसे वैसे बुद्धिसंगत प्रशासनिक और निर्णय प्रक्रिया के प्रभाव में जातिगत धार्मिक और जातीय निष्ठाओं की जगह आधुनिक नागरिकता के कदम जमते चले जाएंगे तो इसका मतलब यही है कि एक तो समझ थी कि भारत उस तरीके से नहीं है भारत में जाति का प्रभाव है भारत में एक तरीके से पुरातन पंथी सोच का भी प्रभाव है धार्मिकता का प्रभाव है जातीयता के आधार पर सोच का प्रभाव है लोग क्षेत्रीय सोच पर के साथ जुड़े हुए हैं तो जो जिस तरह के शासन व्यवस्था भारत ने अपनाई है एक आधुनिक उदारवादी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था भविष्य में वो एक ऐसी स्थिति ला सकती है जिससे कि भारत एक ज़्यादा ऐसे लोगों का ज़्यादा देश बन जाए जहाँ पर जो नागरिक हैं वो संगत तरीके से विचार करें अब ऐसे कई विद्वान काफी निराश हुए जबकि भारत में इस तरह की स्थिति नहीं दिखी कई सारे विद्वानों ने भारत के विखंडित होने की भी परिकल्पना प्रस्तुत की क्योंकि उन्हें यह लगा कि एक ऐसा देश आधुनिकतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं संभाल सकता है जहाँ की जनसंख्या पुरातनपंथी है जहाँ इतनी ज़्यादा विविधता है जहाँ इतने सारे मामलों पर लोगों की अलग अलग राय है और यह राय सिर्फ राय के रूप में नहीं है बल्कि वह बहुत गहरे अंतर्विरोध के रूप में है हालांकि हम सब जानते हैं कि भारत ने इस तरह की जो भविष्यवाणियाँ थी उनको धत्ता बताया और एक देश के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखा जो दूसरी व्याख्या आई वह आधुनिकरण के सिद्धांत से प्रवाहित हुई लेकिन इसके साथ ही यह भारतीय समाज की बेहतर समझ से जुड़ी हुई थी इसके पैरोकार मानते थे कि जातिगत और धार्मिक संरचनाएं नष्ट होने के बजाय आधुनिक राज्य के संस्थाओं में अपनी जगह बनाएंगी उसकी जरूरतों के मुताबिक खुद को बदलेंगी और इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकता को एक नया रूप दे देंगी और इसमें हम शुरुआती दौर में जिस तरीके का लेखन हमें रुडोल्फ एंड रुडोल्फ के राइटिंग्स में मिलता है जिसका जिक्र मैंने दूसरे कई अपने डिस्कशन में किया है जो इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत हुए हैं उसमें जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन की बात उन लोगों ने की और यह नहीं माना कि जो पुरातन संस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से एक अलग दुनिया है और जो आधुनिक संस्थाएं हैं वो एक अलग दुनिया है तो जो जाति जैसी पुरातन संस्थाएं थीं उनका उपयोग लोकतंत्र जैसी आधुनिक विचारों के द्वारा किया जा सकता है और जाति भी इसका उपयोग कर सकती है इस तरह का विचार इसमें सामने आया और बाद में और ज़्यादा गहराई से अन्य विचारकों ने भी इसको देखा तीसरी व्याख्या मार्क्सवादियों की थी जिसने भारतीय राज्य को जन विरोधी वर्गों के एजेंट के रूप में दिखाकर आग्रह किया कि सरकारी ताकत का दमनकारी ढंग से इस्तेमाल करना इस राज्य की प्रणालीगत विशेषता है शुरू में मार्क्सवादियों का यह विश्लेषण राज्य के वर्ग चरित्र पर होने वाली बेजान बहस में फंस गया सत्तर के दशक में उन्होंने कुछ अधिक नफासत का परिचय देते हुए यह दावा किया कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक रूप तो उदारतावादी लोकतंत्र जैसा है पर उसका चरित्र यूरोपीय है या अमेरिकी राज्यों की तरह नहीं है यूरोपीय अमेरिकी राज्यों की तरह नहीं है इसकी वजह मार्क्सवादियों ने यह बताई कि भारतीय पूंजीपति वर्ग के पास अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आवश्यक सामाजिक ताकत का अभाव है तो ये जो एक वर्ग के आधार पर भारतीय राज्य की प्रकृति का वर्णन की जो एक प्रवृत्ति है वह मार्क्सवादियों में काफ़ी गहरे स्तर पर रही और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक रिफाइनमेंट और परिष्करण बाद के जो मार्क्सवादी हैं उनके लेखन में आता गया लेकिन मोटे तौर पर पार्टियों के आधार पर भी राज्य की व्याख्या करने की कोशिश हुई यानी कि अगर एक कम्युनिस्ट पार्टी है तो उस अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसने राज्य की व्याख्या पर एक अलग तरीके से अपना दृष्टिकोण दिया और यह बताया कि कैसे जो वर्ग हैं वो जो खासतौर पर पूंजीपतियों का वर्ग है वो राज्य को नियंत्रित करने की कोशिश में लगा हुआ है और लेकिन वह उस तरीके से पूरी तरीके से राज्य को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहा है और कैसे दूसरे तरह के तत्व भी इसमें हावी हो रहे हैं तो ये वर्ग आधारित जो पूरा विश्लेषण था उसमें आ, अलग अलग तरीके के तथ्य या तत्व आगे भी जुड़ते चले गए और उसमें जो अलग अलग तरह के मार्क्सवादी हैं उन्होंने अपनी तरह से कई अन्य पहलुओं को जोड़ा मार्क्सवादियों के बीच से जब नक्सलवादी धारा का उभार हुआ उन्नीस में तो उस धारा के വിമർശകરોને ભારતીય રાજ્ય કે લોકતંત્ર સંબંધિત દાવો કો પૂરી તરહ સે खारिज કર દિયા ઓર ઉસે સામ્રાજ્યવાદી પૂંજી કા દલાલ ઓર નોકરશાહી પૂંજી કા પ્રતિનિધિ قرار દિયા ઓર નોકરશાહી પૂંજી મે ઉનહોને પબ્લિક સેક્ટર કો રખા તો રાષ્ટ્રીય રાજનીતિ મે સક્રિય તમામ રાજનીતિક શક્તિઓ મે કુલ નક્સલવાદી હી થે જિन्होने ભારતીય રાજ્ય કા તખ્તા પલટને કા આહવાન કિયા ઓર ઉસકે લિયે એક વિફલ હિંસક મુહીમ ભી ચલાય तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि मार्क्सवादी दल जो थे और जो नक्सलवादी थे वो मार्क्सवादी लेनिनवाद और कुछ हद तक माओवाद से भी प्रभावित रहे और बाद में इनके भीतर माओवाद का तत्व बढ़ता गया तो ये जो थे अपने राजनीतिक समझ के हिसाब से इन्होंने भारतीय राज्य को व्याख्यायित किया और चौथी व्याख्या जो थी वो रजनी कोठारी के द्वारा प्रस्तुत की गई उन्होंने संस्थागत विन्यास को समझने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल का सहारा लेते हुए यह दिखाया कि भारत में राजनीतिक प्रणाली संस्थाओं के एक गतिशील केंद्र के इर्द गिर्द काम करती है कोठारी के मुताबिक प्रणाली और उसके संचालन की प्रक्रिया पर कांग्रेस का पार्टी का वर्चस्व हावी रहता है यह प्रणाली गांव, कस्बे शहर जिले प्रांत और केंद्र की परिस्थितियों में अलग अलग ढंग से काम करते हुए दो समांतर स्तरों पर प्रभावी रहती है पार्टी के स्तर पर और सरकार के स्तर पर और रजनी कोठारी का जो यह दृष्टिकोण था उसके विश्लेषण में यह बात भी सामने आई कि इस तरह की जो एक स्थिति होती है उसके परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक केंद्र होता है वह अपना दबदबा कायम रख पाता है और व्यवस्था के हाशिए से उभरने वाले असंतोष को कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से संसाधित करती है कोठारी के मॉडल में जिस पहलू पर जोर दिया गया था वह थी गठजोड़ और सहमति निर्माण की प्रक्रिया कोठारी का यह मॉडल प्रभावशाली था और सत्तर के दशक तक ऐसा लगता भी रहा कि भारतीय राज्य इसी तरीके से कार्य कर रहा है और ये जो पूरी प्रणाली थी उसे कोठारी ने कांग्रेस सिस्टम के रूप में भी परिभाषित किया जिसमें कि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें पार्टी के भीतर ही पक्ष प्रतिपक्ष दोनों आते थे और कई बार जो बाहर से आने वाली आवाजें थीं, जो नए तरीके के समूहों का राजनीतिकरण हो रहा था उन्हें भी स्पेस मिलता था और इससे कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होता था जो कि आम सहमति के आधार पर काम करती थी तो ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल तरीके से रजनी कोठारी ने वर्णन दिया वह काफ़ी हद तक खासतौर पर नेहरू के दौर में भारतीय राज्य की प्रकृति या उसके काम करने के तरीकों की व्याख्या करती थी और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जो नए तरीके के तबके आ रहे थे उनकी बात की जाती थी अब यहाँ हम यह देखेंगे नवीन व्याख्या की आवश्यकता की तरफ जाने से पहले कि इन सभी व्याख्याओं की अपनी अपनी सीमाएँ हैं मिसाल के तौर पर कोठारी जो हैं वो इस बात की जब व्याख्या करते हैं कि एक कांग्रेस प्रणाली जैसी चीज़ थी जिसमें कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल तरीके से चीज़ें काम कर रही थी कुछ मांगे उठती थी फिर उनका समाधान होता था और फिर जो भी चीज़ें होती थी वो समायोजन के साथ बातचीत के द्वारा हल की जाती रहती थी वह अपने आप में बड़ी ही एक सीमित व्याख्या प्रतीत होती है उसका कारण यह है कि खुद नेहरू के शासनकाल के समय यह नहीं कहा जा सकता है कि संपूर्ण भारत में कांग्रेस इस स्थिति में थी कि वह इस तरीके से स्ट्रक्चरल फंक्शनल तरीके से काम करती हो कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें थी या विपक्ष बहुत ही मजबूत स्थिति में था कम से कम पचास के दशक में ही कई महत्वपूर्ण राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनने लगी थी या विपक्ष राजनीति को गहरे तौर पर प्रभावित करने लगा था साठ के दशक में आते आते कांग्रेस की कमजोरी और बढ़ी और जो कांग्रेस की नाकामी थी वो इस बात में भी थी कि वो नए उभरते हुए कई सारे राजनीतिक समूहों को या सामाजिक समूहों को अपने भीतर समाहित करने में नाकाम रहा तो जो राम मनोहर लोहिया की राजनीति थी वो ऐसे ही तबकों पर ध्यान केंद्रित करती है जिन्हें यह लगा कि कांग्रेस के भीतर उनकी आकांक्षाओं को समाहित करने उनके आकांक्षाओं को स्थान देने की गुंजाइश नहीं है तो ये कोठारी की एक बहुत बड़ी सीमा के रूप में सामने आती है कि वो एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर देते हैं जिससे लगता है कि चीज़ें मोटे तौर पर सही तरीके से काम कर रही थी और सिर्फ सत्तर के दशक के आखिर में आकर समस्याएं पैदा हुईं जबकि हकीकत यह है कि ये समस्याएं शुरुआत से ही थीं और इन समस्याओं को भी इस प्रकार के किसी भी विश्लेषण में स्थान दिए जाने की ज़रूरत थी इसके पहले जो हम लोगों ने मॉडल्स देखे उसमें भी आधुनिकीकरण के मॉडल की अपनी समस्या थी जो मॉडल यह कहा गया कि जो परंपराएं हैं उनका आधुनिकीकरण हो रहा है और वो बदल रही हैं उस मॉडल में एक तरीके का सरलीकरण भी दिख सकता है क्योंकि उससे कैसी जटिल अन्योन क्रिया हो रही है वह बात बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई उसी तरीके से तीसरे स्तर पर जो हम लोगों ने मार्क्सवादियों के विश्लेषण को देखा था वहाँ पर भी मैंने यह स्पष्ट किया था और एक बार फिर से हमें यह समझने की जरूरत है कि मार्क्सवादी अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार भारतीय राज्य की प्रकृति को व्याख्याित कर रहे थे यानी कि उनकी जो रणनीति होती थी उसी नज़र से वो भारतीय राज्य को देख रहे थे और इसीलिए अलग अलग जो मार्क्सवादी दल थे भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत कर रहे थे और यह ये जो व्याख्याएं हैं उसमें बहुत गहरे विश्लेषण या जो भारतीय राज्य के का जो एक प्रगतिशील स्वरूप था या उसके द्वारा जो कुछ सकारात्मक कार्य किया जा रहा था उनकी उसकी पूरी उपेक्षा पर आधारित था कम से कम जो नक्सलियों के द्वारा एक वर्ग विश्लेषण प्रस्तुत किया गया वह पूरी तरह से भारतीय राज्य के लोकतांत्रिक संभावनाओं को खारिज करता था यह एक तरीके से लोकतांत्रिक शासन की संभावनाओं को खारिज करने की तरह था तो हर एक जो व्याख्या है ये जो चारों तरह की व्याख्या ये चारों तरह का जो मॉडल देख रहे हैं उनकी कई तरह की सीमाएं थीं लेकिन इन सभी मॉडल्स में यह कोशिश की गई कि भारतीय राज्य के काम करने के तरीकों को समझा जाए उसको सामने रखा जाए और उसमें से आ, कुछ जो व्याख्याएं थीं वो कुछ समूहों को काफ़ी ठीक लगी बाद में उनकी आलोचनाएं भी सामने आईं और हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्याख्या या राजनीति विज्ञान की कोई भी अवधारणा या राजनीति सिद्धांत की कोई भी थियोरी इसी तरीके से काम करती है उसका लक्ष्य होता है कि वो यथार्थ को ज़्यादा सटीक तरीके से व्याख्यायित करे और कई बार उससे बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं तो जो संवाद या डिस्कशन की जो पूरी प्रक्रिया है उससे हम इसी तरीके से एक सच्चाई को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो ये सारे मॉडल जो सत्तर के दशक में आए उन्होंने एक खास परिप्रेक्ष्य से हकीकत को बयान किया जिसमें कुछ बातें थी जो कि स्वीकार करने योग्य थी और कई सारे पहलू थे जो इनसे छूट जा रहे थे आ, कुछ व्याख्या ज़्यादा सफल हुई जैसे कोठारी की व्याख्या ज़्यादा हकीकत के करीब लग सकती है आ, लेकिन उसमें भी कई सारी कमियां थी अब जल्दी ही जो कई तरह की घटनाएं घटनाक्रम हुए उसके कारण से इन जो मॉडल थी मॉडल था कोठारी का उसकी भी आलोचना होने लगी एक तो मैंने आपको प्रमुख आलोचना बताए कि किस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं कांग्रेस का की का, प्रणाली का जो एक सहमति मूलक चरित्र कोठारी ने प्रस्तुत किया आ, उसके बारे में यह आलोचना सामने आने लगी कि वो इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही आश्वस्त हैं और उनमें भारतीय अभिजनों की स्वायत्तता को बढ़ा चढ़ाकर देखने की प्रवृत्ति है यानी कि वो ये मान रहे हैं कि भारतीय अभिजन इतने उदार हैं कि वो नए तरह की मांगों या नए तरह की जो आ, आ, एक आकांक्षाएं आ रही हैं, उनको स्थान दे सकते हैं साथ ही वे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को क्रमिक विकास के परिप्रेक्ष्य में ही देख रहे हैं यह भी एक आलोचना सामने आई दरअसल कोठारी ने भी अपनी तरफ से सत्तर के दशक में उभरे जुझारू विपक्षी आंदोलन उनके खिलाफ चलाई गई दमनकारी प्रक्रिया आपातकाल और फिर कांग्रेस की पराजय की रोशनी में अपने मॉडल की पुनरीक्षा शुरू कर दी और मुझे ये उम्मीद है चूंकि अलग अलग एपिसोड्स में यह बात सामने आई है और आप लोग पहले से भी इस बात को जानते होंगे कि सत्तर का दशक काफ़ी उथल पुथल से भरा दशक था इस दशक की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक युद्ध में हराया बांग्लादेश बना उसके बाद एक दो साल के भीतर स्थिति विकट होती चली गई देश आर्थिक संकट में फंसने लगा और जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो एक आखिरी नतीजा जो है वो आपातकाल लागू होने के रूप में सामने आया और आपातकाल लागू करने के पीछे जो एक प्रमुख कारण था वो यह भी था कि कई जगहों पर आंदोलन शुरू हो गए थे और उसके खिलाफ जो ये पूरा आंदोलन था वो एक, एक सकारात्मक दिशा में लगा आंदोलन के प्रभाव को उसने दिखाया जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई आपातकाल के बाद हुए चुनावों में तो ये सारे जो घटनाक्रम हुए उसमें कई विद्वानों ने भारतीय लोकतंत्र भारतीय राज्य की जो स्थिति थी या उसकी जो समीक्षा थी उसको नए सिरे से आरंभ कर दिया और इसमें कोठारी भी सम्मिलित थे कोठारी को यह लगने लगा था कि कांग्रेस प्रणाली अब पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है नई परिस्थितियों में सहमति बनाने और गठजोड़ के रूप में काम करने की कांग्रेस की क्षमता का क्षय हो रहा है जिसके कारण राज्य व्यवस्था आंतरिक तनावों का शिकार होती जा रही है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना रवैया बदला और पहले की तरह संगठन आधारित राजनीति न करके आर्थिक नीतियों के दम पर सीधे जनता तक पहुंचने का रास्ता अपनाया और इसके अलावा इंदिरा गांधी ने आ, कुछ हद तक पॉपुलिस्ट राजनीति भी शुरू की उस पॉपुलिस्ट राजनीति में जो एक गहरे स्तर पर मुद्दों से जूझने के बजाय लोगों को आकर्षक नारों के माध्यम से आकृष्ट करने की कोशिश की गई और उन्हें कुछ छूट दिया गया कुछ इस तरह के की सुविधाएं दी गई जिससे कि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहें और इन सब चीज़ों में इंदिरा गांधी को कामयाबी भी, भी मिली लेकिन उन्होंने जनता की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी और भारतीय राज्य की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल अपने लोक लुभावन वादों को पूरा करने में लगाया लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए और इसके कारण जन विक्षोभ हुआ और उसकी निमायदगी करने वाले विपक्षी आंदोलनों का सिलसिला शुरू हुआ और ये सारी चीज़ें जो थीं, वो सत्तर के दशक में हो रही थीं और बाद में इंदिरा गांधी ने आ, सिर्फ पॉपुलिस्ट मेजर्स को ही नहीं अपनाया बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि वो एक मेजोरिटेरियन आधार पर लोगों को यानी कि हिंदुओं को आकृष्ट करने की कोशिश कर रही थी जब हमने पृथकतावादी राजनीति की बात की थी और जब हमने पंजाब के मामले का की विवेचना की थी तो वहाँ मैंने आपको यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो जनरल सिंह भिंडरवाले थे उन्हें शुरू में इंदिरा गांधी सरकार की सरकार से प्रोत्साहन मिला क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार अकाली दल की नरम धार्मिक राजनीति को चुनौती देना चाहती थी और बाद में जब वाले हाथ से निकलने लगे और वो काफ़ी उग्र किस्म की राजनीति करने लगे तो खुद इंदिरा गांधी को ही एक सख्त कदम उठाना पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में इसके अलावा मैंने वहाँ यह भी आपको बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने यह कोशिश की कि जो पंजाब की स्थिति है उसका इस्तेमाल करते हुए वो देश के दूसरे भागों में हिंदुओं को गोलबंद करने की कोशिश करें हालांकि यह कोशिश बहुत ज्यादा खुले तौर पर नहीं थी कुछ भाषणों के रूप में सामने आई लेकिन निश्चित रूप से इंदिरा गांधी की राजनीति की दिशा इस ओर बढ़ रही थी अब 80 के दशक में जब ये सारे बदलाव हो रहे थे तो रजनी कोठारी ने एक अलग तरह की व्याख्या प्रस्तुत की अस्सी के दशक में कोठारी ने पाया कि धीरे धीरे एक तकनीक शाही प्रबंधकीय राज्य उभर आया है जो राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए समस्याओं को समाधान देने की तरफ ले जाने के बजाय चंद विशेषज्ञों की मदद से देश को नई सदी में ले जाने की योजना बना रहा है इस मौके पर कोठारी ने सूत्रीकरण किया कि पहले तो इंदिरा गांधी ने अपने निजी करिश्मे पर भरोसा किया अपनी राजनीति के लोक लुभावनवादी या पॉपुलिस्ट चरित्र से भारतीय राज्य के बहुलवादी चरित्र का क्षय किया फिर उनके बेटे राजीव गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र को अभिजनोन्मुख प्रौद्योगिकी परस्त विकृत और विविधता विरोधी बना दिया गया यानी कि ये इलेक्ट्रिस्ट होता गया ये टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया या डिस्टॉर्टेड हो गया और एक तरीके से जो एक विविधता होती है अलग अलग तरह की आवाज़ें आती हैं या उसके खिलाफ भी चलता चला गया आ, ऐसा कहने का कारण क्या है तकनीक परस्त होने से कैसे विविधता को चोट पहुंची? तो यह माना जाने लगा और शायद ये पहले से ही चीजें चली आ रही थी पर और ज्यादा गहरी हो गई कि जो विकास है उसका मॉडल उसका रास्ता एक ही है और इससे जो भी छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे जो तथाकथित विकास के मॉडल का विरोध कर रहे थे उन्हें संदेह से देखा जाने लगा और तो ये जो एक स्थिति आई वहां पर कुठारी ने यह बताया कि कैसे इस तरीके के आंदोलन काम कर रहे हैं आ, लेकिन उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि आज का भारतीय राज्य राष्ट्र निर्माण के अगले चरण की ओर तो संक्रमण कर रहा है पर ना तो वह अपने संस्थागत चरण चरण को रोक पा रहा है और ना ही नई संस्थागत संरचना करने में समर्थ है कोठारी यह मानते हैं कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने इन विकृतियों में इजाफा किया है तो ये कोठारी का जो मुख्य जो कि जो मुख्य चिंता थी वह संस्थागत क्षरण की थी और संस्थागत क्षरण से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो भारतीय राज्य की जो एक क्षमता थी लोगों का विश्वास अर्जित करने की या लोकतांत्रिक तरीके से मुद्दों को सामने लाने और उसका उसका समाधान करने की उसमें लगातार कमी होती जा रही पूंजी के प्रभाव के तहत भारतीय राज्य ने अपनी हितकारी नीतियों को त्याग दिया वर्तमान भारतीय राज्य को गरीबों वंचितों और हास्याकृत तबकों की कोई फिक्र नहीं है और विशेष रूप से भूमंडलीकरण के दौर में यह प्रवृत्ति ज़्यादा सामने आई है हालांकि इसमें कई तरीके के काउंटर आर्गूमेंट्स दिए जा सकते हैं पर एक तस्वीर भारतीय राज्य की प्रस्तुत करने की कोशिश रजनी कोठारी के द्वारा की गई आर्थिक विकास की होड़ में इन तबकों को अवांछित और छटनी करने लायक यानि कि गरीबों को अवांछित और छटनी करने लायक मान लिया गया है जो लोग बाजार की प्रतियोगिता में नहीं टिक पाएंगे उन्हें नष्ट हो जाना पड़ेगा तो ये जो पूरा विश्लेषण है वह 80 के दशक से 90 के दशक की कहानी को भी बयां करता है जबकि भारत ने वैश्वीकरण को अपना लिया था हालांकि इसी दौर में रजनी कोठारी ने एक उम्मीद की किरण दिखाते हुए एक अलग तरह का विश्लेषण नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस के रूप में भी प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कैसे जमीनी स्तर के जो आंदोलन हैं जो कि सीधे तौर पर राजनीतिक दलों से नहीं जुड़े हुए हैं और जो उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिन्हें धारा के राजनीतिक दल छोड़ चुके हैं और जिनकी तरफ भारतीय राज्य का ध्यान नहीं है वो आंदोलन एक तरीके से जनता की आवाज बनकर सामने आए हैं तो एक जो कोठारी के विश्लेषण में एक तरफ यह बात भी आती है लेकिन साथ ही वो भारतीय राज्य की काफी तीखी आलोचना करते हैं और यह आलोचना अस्सी के दशक से आगे बढ़ते हुए नब्बे के दशक में भारतीय राज्य की जो पूरी एक प्रवृत्ति उभरी इस रूप में कि वह ग्लोबलाइज्ड एक नेशन स्टेट बनने की ओर अग्रसर हुआ उसने ऐसी नीतियों को अपनाया जिससे कि जो सरकार का नियंत्रण है बाजार पर वह कम हुआ सरकार की जो लाल फिता है वह कम हुई और जो निजी पूंजी है उसकी भूमिका बढ़ी तो इस परिस्थिति में गरीबों के साथ वंचित लोगों के साथ हासी पर पड़े लोगों के साथ क्या हुआ इसका संकेत कोठारी करते हैं और बाद के समय में इसमें कुछ हद तक बदलाव भी देखने को मिलता है जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम पार्थ चटर्जी के विश्लेषण की बात करेंगे जो कि उन्हें उन्होंने उन्नीस सौ उन्हों या 2000 के दौर में किस तरीके से भारतीय राज्य काम कर रहा है उसको बताते हुए दिया है अस्सी के दशक में मार्क्सवादी विश्लेषण पर हम अभी बात करेंगे सत्तर और अस्सी के दशक के घटनाक्रम के कारण कई विश्लेषकों ने भारतीय राज्य के बारे में अपने पुराने विचार बदले हरित क्रांति के गर्भ से निकले धनी किसानों ग्रामीण पूंजीपतियों की बढ़ती हुई राजनीतिक ताकत और मंझोली व दलित जातियों की प्रबल होती गोलबंदी ने उन्हें अपनी प्रस्थापनाओं पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर किया मार्क्सवादियों ने अपने विश्लेषण को और समृद्ध किया उन्होंने पूंजीपतियों धनी किसानों और अधिकारी तंत्र को तीन प्रभुत्वशाली वर्गों के रूप में चिन्हित करके दिखाया कि उनके बीच होड़ और गठजोड़ की प्रक्रिया उस राजनीतिक स्पेस में चल रही है जिसकी बागडोर अपेक्षाकृत स्वायत्त भारतीय राज्य के हाथों में है और इस संदर्भ में प्रणोवर्धन का जो विश्लेषण है उसे एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है प्रणव वर्धन ने दिखाया कि कैसे जो तीन वर्ग हैं वो एक तरीके से प्रभुत्वशाली वर्ग की श्रेणी में आते हैं उन्होंने बताया कि भारतीय राज्य को प्रभुत्वशाली वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित विविध वर्गों से सापेक्षिक स्वायत्तता मिली हुई है उन्होंने भारतीय राज्य के अपने अध्ययन में शासक वर्ग जैसे मानक शब्दों का प्रयोग नहीं किया इसके बजाय उन्होंने डोमिनेंट प्रोप्रायट्री क्लासेस शब्द का प्रयोग किया इसमें प्रणववर्धन ने औद्योगिक पूंजीपतियों अमीर किसानों और पेशेवर लोगों या प्रोफेशनल्स को सम्मिलित किया जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले नागरिक और सैन्य अधिकारी थे आ, अब ये जो डोमिनेंट प्रोप्राइटरी क्लासेस हैं उसमें आ, जब वो ये तीन वर्गों को सम्मिलित करते हैं तो आगे उन्होंने भी ये भी कहते हैं कि भारतीय संदर्भ में इन वर्गों में विविधता है और इनके हितों में टकराव भी है इसके कारण इनकी तुलना औद्योगिक देशों के बुर्जुआ और उसके धड़ों से नहीं की जा सकती भारत प्रणवबर्धन के अनुसार भारत का अर्ध सामंती खेतीहर मोटे तौर पर गायब हो चुका है किसानों और प्रोफेशनल हर किसी के संदर्भ में ये वर्ग जाति की अंतर क्रिया का उल्लेख करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जब किसान सब्सिडी पाने के लिए खुद को अपनी जाति के लोगों के साथ गुलबंद कर रहे हैं तो वो एक तरीके से अपने वर्ग और अपनी जाति को मिलाकर अपने हितों को सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में नौकरियां प्रतियोगिता का क्षेत्र बन चुकी हैं जिसमें कि हरेक जाति के लोग एक तरीके से प्रतियोगिता कर रहे हैं और यहाँ पर जो ये पूरा ये पूरी व्याख्या है उसको एक अन्य तरीके से भारतीय राज्य के कार्य को प्रस्तुत करने के लिए सुदीप्त कविराज ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जो मार्क्सवादी मॉडल था उसको थोड़ा और रिफाइंड तरीके से उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की इसमें उन्होंने यह बताया कि पूंजी के ताकतों के द्वारा की गई पैसिव रिवोल्यूशन के चलते पश्चिम में पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में स्थापित क्लासिकल लोक जो क्लासिकल लोकतंत्र स्थापित हुआ था उससे भारतीय मॉडल भिन्न है अब यहाँ पर ये जो पैसिव रिवॉल्यूशन की बात है वह इस बात से संबंधित है कि जो क्रांति होती है वह पूर्ण नहीं होती है बल्कि उसके स्थान पर कुछ ऊपरी या सतही परिवर्तन या सुधार हो जाते हैं तो ये ग्रामसी से लिया गया शब्द है और सुदीप्त ये कहते हैं कि पश्चिम में बुर्जुआ लोकतंत्र की कामयाबियों ने क्लासिकल मॉडल को एक ग्लोबल मानक की हैसियत प्रदान कर दी जबकि भारत का जो लोकतंत्र का मॉडल है वह एक संक्रमणकारी स्थिति का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है विद्वान अभी भी यह तय नहीं कर पाए हैं कि भारतीय राज्य अंततः किस दिशा में जाएगा और उसका प्रामाणिक स्थिर स्वरूप क्या होगा तो पूंजी की ताकतों का के द्वारा किया गया पैसिव रिवोल्यूशन जो है वो इनके विश्लेषण का एक मुख्य अंग है पार्थ चटर्जी के विश्लेषण पर आगे जाने से पहले मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे जो मार्क्सवादी विश्लेषण आए उन विश्लेषणों में जो अस्सी के दशक में भी आए उन विश्लेषणों में कई बार जो पिछड़ी जातियों के उदय की परिघटना हो रही थी या दलित जिस तरीके से एक मध्य वर्ग के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे उनको सीधे तौर पर अपने विश्लेषण में समाहित नहीं किया गया हालांकि हमें देखते हैं कि प्रणववर्धन एक इशारा जरूर करते हैं कि किस तरीके से जाति और वर्ग के बीच अन्योन क्रिया हो रही है चाहे वो प्रोफेशनल्स की बात हो या फिर अमीर किसानों की बात हो लेकिन इस विश्लेषण में जो एक स्थान मिलना चाहिए था जाति के कारक को उसकी उपेक्षा की गई दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह इस बात से भी जुड़ी हुई है कि जो कई तरह के मार्क्सवादी समूह थे जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे थे वहाँ भी उन्होंने वर्ग की अवधारणा के आधार पर ही समाज को और भारतीय राज्य की गत्यात्मकता को समझने की कोशिश की और वो यह चाहते थे कि जो एक राजनीतिक चेतना है वो किसानों के भीतर आए किंतु वह राजनीतिक चेतना एक वर्ग के रूप में आए तो ये एक मुख्य कमी रही यहाँ पर हालांकि इसके साथ यह भी सच है कि जो पैसिव रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट सुदीप्त कविराज के द्वारा इस्तेमाल किया गया वह भारतीय राज्य के की दिशा को के बहुत ज्यादा क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तित या तय न होने की व्याख्या करता है कि आखिर भारतीय राज्य क्रांतिकारी तरह से हर तरह के बदलाव क्यों नहीं कर पाया जब देश को आजादी मिली उस वक्त बल्कि वह कुछ ऊपरी सुधारों तक या कुछ सुधारों तक ही क्यों सीमित रह गया तो ये एक आ, पहलू है जो कि इस तरीके के मार्क्सवादी विश्लेषण में सामने आता है आगे हम पार्थ चटर्जी के विश्लेषण को देखेंगे पार्थ चटर्जी का विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय राज्य या भारत में जो नागरिकों का समूह है उसके राज्य के साथ जुड़ाव की एक अलग तरह की व्याख्या प्रस्तुत की है भारतीय राज्य की प्रकृति के संदर्भ में हाल फिलहाल के लेखन में पार्थ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक समाज की संकल्पना और उसके माध्यम से भारतीय राज्य किस तरीके से हाशी हाश्य पर पड़े अपने समुदायों को एक तरीके से नियंत्रित करने या उन्हें नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है उसकी जो व्याख्या है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है पार्थ चटर्जी हमारे देश के जाने माने समाज वैज्ञानिक हैं और उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से औपनिवेशिक भारत के इतिहास या आज़ादी के बाद के दौर में भारत की स्थिति को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र उपलब्ध कराए हैं चटर्जी की जो पुस्तक है द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्न रिफ्लेक्शंस ऑन पॉपुलर पॉलिटिक्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें उन्होंने भारतीय संदर्भ में भी कई उदाहरणों पर विचार किया है और बाद के अपने लेखन में भी जो पॉलिटिकल सोसाइटी की अपनी संकल्पना है उसको वो ज़्यादा साफ तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं चटर्जी यह बताते हैं कि हमारे देश में जो जनसंख्या है उसमें या जितने लोग हैं उसमें एक तरीके से उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है एक को सिविल सोसाइटी कहा जाता है और दूसरे को पॉलिटिकल सोसाइटी वो कहते हैं वो यह कहते हैं कि सिविल सोसाइटी के बारे में यह माना जाता है कोई ज़रूरी नहीं है कि सिविल सोसाइटी ऐसा करती हो पर यह माना जाता है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कानूनों का पालन करते हैं और सिविल uh, सोसाइटी के लोग में पढ़े लिखे होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कुछ हद तक और वो uh, अलग अलग तरह की बातों के जो समाज में चल रही होती है उनके बारे में एक अच्छी समझ भी रखते हैं तो कुल मिलाकर uh, जो ये सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है उसमें हम पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जिनके पास जीविका का साधन होता है या जो अपना बिजनेस चलाते हैं या उन्हें जो वास्तविक अर्थों में जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का वो उपयोग कर पाते हैं और उनके पास ये क्षमता होती है तो अगर हम संविधान के हिसाब से देखें तो हम यह पाएंगे कि हिंदुस्तान में हर किसी को नागरिक की स्थिति दी गई है इसी चर्चा के शुरुआत में मैंने बताया कि हर किसी को वोट डालने का अधिकार है और हर किसी के पास कुछ बुनियादी या कुछ मौलिक अधिकार हैं लेकिन जो चटर्जी की संकल्पना है उसमें उनका यह कहना है कि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो कि एक तरीके से गैर कानूनी रूप से जीवन जीने के लिए अभिशप्त है क्योंकि उसके पास कोई साधन नहीं होता है तो वो एक तरीके से जब भी वो अपनी जीविका को हासिल करने के लिए काम करता है तो वह काम गैर कानूनी कार्यों के दायरे में चला जाता है आ, मिसाल के तौर पर उन्होंने उदाहरण दिया एक ऐसी झुग्गी का जहाँ पर जिस जमीन पर लोग रह रहे हैं उस ज़मीन पर आ, सरकार का नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है और कई बार जो बिजली वो लेते हैं आ, कटिया मारकर वो भी हो सकता है कि गैरकानूनी के दायरे में ही आए क्योंकि उसके लिए सीधे तौर पर मीटर लगाकर बिजली बिल नहीं दिया जाता है और ऐसे ही बहुत तरह के उदाहरण वो आ, देते हैं उस कॉलोनी के संदर्भ में और हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण पा सकते हैं दूसरे कई अन्य चीज़ों का के बारे में विचार करते हुए जैसे मैंने अपने काम में आ, वन आ, वनों में रहने वाले समुदायों के संदर्भ में खासतौर पर जिनके पास उनके ज़मीन का पट्टा नहीं होता है इस संकल्पना का प्रयोग किया और भी कई लेखकों ने इस तरीके से ही चीज़ों को समझने की कोशिश की लेकिन जो हमारे काम की अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि आ, जो आ, राज्य है वो यह चाहता है कि ये जो समूह हैं वो उसकी गवर्नमेंटेलिटी या जो प्रशासकीयता है उसके प्रभाव में ही रहें यानी कि उन्हें हमेशा ही एक ऐसी स्थिति में वो समूह ना आए कि उन्हें लगे कि राज्य से वो कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं और उनके पास बगावत करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है तो राज्य अपना एक कल्याणकारी चेहरा भी सामने रखता है पर वो वास्तविक अर्थ में कल्याणकारी नहीं माना जा सकता है क्योंकि वो एक तरीके से बारगेनिंग पर आधारित होता है क्योंकि जो पॉलिटिकल सोसाइटी के समूह होते हैं जिनके पास बुनियादी रूप से हम ये ध्यान रखें कि जिनके पास संवैधानिक अधिकार है पर वो उनका उपयोग करने में समर्थ नहीं है और जब भी वो अपनी जीविका की तलाश करते हैं तो उनकी गतिविधियाँ इलीगल या इलीगैलिटी के दायरे में चली जाती हैं तो ये जो समूह होते हैं उनके पास वोट की ताकत होती है और जो आ, स्टेट है वह भी चाहता है कि वो इनके इसके इनके दायरे में ही रहें तो कई बार वोट की ताकत से वो एक तरीके से स्टेट से बार्गेन करते हैं और स्टेट से बार्गेन करने की स्थिति में सौदेबाजी की इस स्थिति में वो कई सारी छूट प्राप्त कर लेते हैं स्टेट से मिसाल के तौर पर कई बार उन्हें अपनी झुग्गी को हटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा कई बार उन्हें बिजली की छूट दे दी जाएगी कई बार उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी तो एक जो ये स्थिति होती है वो असल में राज्य को यह आधार प्रदान करती है कि कैसे वो पॉलिटिकल सोसाइटी को अपने दायरे के भीतर रखे और एक तरीके से पॉलिटिकल सोसाइटी को वो यह आधार देती है कि किस तरीके से वह अपने हित में कुछ काम करवा सकता है या अपने लिए कुछ सुविधाएं हासिल कर सकता है या अपनी जीविका के लिए कुछ साधन हासिल कर सकता है अब पार्थि चटर्जी का जो ये पूरा विश्लेषण है उस विश्लेषण की कई स्तरों पर आलोचना भी हुई है और कई बार यह कहा गया है कि चटर्जी यह मानते हैं कि जो लोग एक नागरिक समाज के सदस्य माने जा रहे हैं वो हमेशा ही कानूनों का पालन करते हैं और जो लोग पॉलिटिकल सोसाइटी में हैं वो उनकी एक्टिविटीज़ इलीगल होती हैं तो ये एक तरीके से सही वर्णन नहीं है और अगर हम यह कहें अगर हम यह माने कि अगर ऐसा होता है तो वास्तव में गलत भी दिखता है क्योंकि जिन लोगों के पास यह क्षमता होती है कि वो वास्तव में संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें वो भी कई बार गलत गतिविधियों का या ज़्यादा ही गलत गतिविधियों का सहारा लेते हैं हालांकि ऐसा कहने के बावजूद हमें यह ध्यान रखना होगा कि चटर्जी के वर्णन में यह बात आती है कि ऐसा माना जाता है और ये इस तरीके की एक छवि बनी हुई होती है कि जो आ, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो सिविल सोसाइटी के मेम्बर्स कानूनी कामों में नहीं जुड़े होते हैं बहरहाल जो एक पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी का इनका वर्गीकरण है उनकी उसकी एक महत्वपूर्ण सीमा यह है कि वो इसके साथ जो इलीगैलिटी की धारणा जोड़ते हैं वह कई बार कई रूपों में बहुत ही सीमित लगता है क्योंकि जो ये इलीगैलिटी की धारणा है वो इस बात को नकारता है कि जो समूह हैं वो कई बार कानूनों के रूप में भी अपने लिए बहुत सारी सुविधाएं हासिल कर लेते हैं और कई बार वो राज्य इस पूरे वर्णन में चटर्जी ऐसा बताते हैं कि राज्य एक तरीके से उनको कंट्रोल में लाने के लिए या गवर्नमेंटलिटी के दायरे में लाने के लिए काम करता है लेकिन वो इस संभावना की को बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं छोड़ते हैं। कि ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी के जो समूह हैं वो अपने संघर्षों के माध्यम से राज्य को कई बार ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं जो कि राज्य आमतौर पर उन्हें देना नहीं चाहता है और फिर भी वो अपने संघर्षों के माध्यम से ऐसी चीज़ों को हासिल करते हैं मिसाल के तौर पर आ, मैंने अपने काम में यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आदिवासी समूहों ने इस बात के लिए राज्य को मजबूर किया कि वो न सिर्फ वन अधिकार कानून 2006 को पारित करे बल्कि बहुत सारे प्रगतिशील तत्वों के साथ पारित करे आ, तो ये जो चटर्जी का वर्णन है बाद में उसमें उन्होंने कई और पहलुओं को जोड़ने की कोशिश की पर एक जो मुख्य आधार है इसका वह एक ऐसे राज्य की तस्वीर प्रस्तुत करता है जहां पर राज्य इस बात के लिए सक्रिय है कि वो अलग अलग समूहों को जो पॉलिटिकल सोसाइटी से जुड़े हैं जो अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनके पास आ, आ, लीगलिटी और इलीगैलिटी का पालन करने की फुर्सत नहीं है जिनकी गतिविधियां कई दफा इलीगल के दायरे में चली जाती हैं उन्हें वो किस तरीके से नियंत्रित करता है तो चटर्जी का यह वर्णन अपने आप में एक रोचक तस्वीर प्रस्तुत करता है अब जब 2014 के चुनाव हुए और 2014 के चुनावों के बाद अगर हम भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में लेखन की बात करें तो उसमें भी चटर्जी की एक अन्य पुस्तक एम द पीपल का नाम लिया जा सकता है जिसमें चटर्जी ने पॉपुलिज्म के उभार के आधार पर या पॉपुलिज्म का सहारा लेने के माध्यम से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है उसको सामने लाने की कोशिश की है मोटे तौर पर पॉपुलिज्म को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं जो गहरे उनके गहरे विश्लेषण या उनके अस्थायी समाधान के बारे में विचार करने की जगह नारेबाजी के शक्ल में मुद्दों को रखना बहुत अति सरलीकृत रूप में मुद्दों को रखना और लोगों को अपने उन नारों के से बांध लेना आकर्षित कर लेना और ये जो एक प्रवृत्ति होती है वो सिर्फ नारों की ही बात नहीं है बल्कि कई बार वो कुछ कदमों के रूप में भी सामने आ सकती है यानी कि अगर आप किसी समुदाय को बहुत ही शिक्षा के संबंध में बहुत अच्छा प्रावधान नहीं देते हैं और एक चुनाव के समय आप घोषणा करते हैं कि आप चुनाव के बाद उन्हें लैपटॉप दे देंगे ये एक उदाहरण है तो ये अपने आप में एक पॉपुलिस्ट मेजर माना जा सकता है जो लोगों को काफ़ी आकर्षक सक, लग सकता है लेकिन वो इस मुद्दे यानी कि शिक्षा के मुद्दे की जो गहनता है जो उसके साथ जुड़ी समस्या है उसको दूर नहीं करता है जो शायद अच्छे विश्वविद्यालयों को बनाने से जो फीस है उनको कम करने के साथ साथ अच्छे लाइब्रेरीज को बनाने से सभी छात्र छात्राओं को हॉस्टल्स देने से सामने आ सकता है तो तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है उस पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स में मुद्दों की गहनता में जाकर उनका विश्लेषण नहीं किया जाता है उनका दीर्घकालिक या स्थायी समाधान खोजने की कोशिश नहीं की जाती है और बल्कि कुछ आ, मोटे सुझाव देकर कुछ आ, आ, सतही सुझाव देकर या कुछ आकर्षक नारे देकर लोगों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है तो चटर्जी इसी अर्थ में इस पूरी परिघटना की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक मौजूदा समय में भारतीय राज्य है उसमें इस तरह के पॉपुलिस्ट नारों की हम भरमार देख सकते हैं हालांकि अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय राज्य के संदर्भ में एक के विश्लेषण के संदर्भ में एक चुनौती के रूप में सामने आते हैं जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम भारतीय राज्य का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो सिर्फ आ, सरकार की दिशा ही उस विश्लेषण का भाग नहीं बनती है बल्कि उसमें जो राज्य के अलग अलग अंग हैं उनकी भी विश्लेषण की जरूरत पड़ती है और उस अंग में के विश्लेषण में कुछ कोशिशों में उस इन पहलुओं को समेटने की कोशिश की गई कुछ विश्लेषणों में दावा किया गया कि वो ऐसा कर रहे हैं मिसाल के तौर पर मार्क्सवादी विश्लेषण में खासतौर पर जो पार्टियों के द्वारा प्रस्तुत की गई या फिर नक्सलियों के द्वारा जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया या नक्सलियों के समर्थकों के द्वारा जो विश्लेषण प्रस्तुत किया गया जिसमें भारतीय राज्य को पूरी तरीके से पूंजीपतियों के नियंत्रण में काम करने वाले राज्य के रूप में बता दिया गया तो उसमें यह दावा किया जा सकता है कि असल में वो भारतीय राज्य की बात कर रहे हैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहे हैं वो न्यायपालिका की भी बात कर रहे हैं और वो विधायिका कार्यपालिका और जो नौकरशाही का तंत्र है उसकी भी बात कर रहे हैं पर बहुत सारे दूसरे विश्लेषणों में हम यह देख सकते हैं कि कई सारे पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है या उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जाता है अगर हम मौजूदा समय में भारतीय राज्य के का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के तत्वों पर ध्यान देना होगा और ये शायद राजनीति विज्ञान के हर विद्यार्थी के लिए एक चुनौती के रूप में भी है आ, मिसाल के तौर पर हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो सरकार काम कर रही है उसकी जो नीतियाँ तय हो रही हैं उस पर किस समूह का ज़्यादा प्रभाव दिखता है उससे पहले ये भी सवाल आएगा कि हम भारतीय समाज को किन समूहों में बटा हुआ देखते हैं क्या फिर उसमें यह सवाल भी आएगा आना चाहिए कि क्या हम यह मानते हैं कि हाशिए के समूह अपने अधिकारों का ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से मांग कर पाए हैं अब इसमें अगर इस सवाल के बरक्स हम कई सारे विश्लेषणों को देखें तो हमें कई कमियां नज़र आएंगी मिसाल के तौर पर जो दलितों के उभार या फिर ओबीसी के उभार की पूरी परिघटना है उसकी व्याख्या पूरी तरीके से पॉलिटिकल सोसाइटी के अवधारणा का उपयोग करते हुए नहीं की जा सकती है वह सिर्फ आंशिक व्याख्या ही प्रस्तुत कर पाता है तो इस दूसरे सवाल के साथ एक तीसरा सवाल भी यह जुड़ सकता है कि क्या मौजूदा भारतीय राज्य अल्पसंख्यक समूहों के प्रति ज़्यादा उदार तरीके से या ज़्यादा कठिन रूप में काम कर रहा है इसके साथ यह सवाल भी आएगा कि क्या भारतीय राज्य के जो विविध अंग हैं ख़ासतौर पे इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं न्यायपालिका को कि क्या उसके कार्य की पद्धति उसके निर्णयों की दशा और दिशा ऐसी है कि उसे हम एक ख़ास तरीके से व्याख्यायित कर सकें क्या हम उसकी व्याख्या लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कर सकते हैं उसी संदर्भ में हमारे सांसदों विधायकों या जो विधायिका के सदस्य हैं उनके कार्यप्रणाली पर भी ध्यान देना होगा तो यह अपने आप में एक बहुत ही जटिल प्रश्न है उसके साथ ही जैसे हम लोगों ने जाति और वर्ग की राजनीति का डिस्कशन किया था तो उसमें वर्ग के संदर्भ में भी सवाल आएंगे कि जो अलग अलग वर्ग भारतीय समाज के हैं खासतौर पर मध्य वर्ग और जो पूंजीपति वर्ग हैं उसका जो काम करने का तरीका है उसकी उसका जो रास्ता है वह किस दिशा में जाता है तो इस तरीके से ऐसे बहुत तरह के पहलू हैं जिन्हें की एक विश्लेषण में समेटते हुए हम वास्तविक रूप में भारतीय राज्य की जो प्रकृति है उसकी व्याख्या कर पाएंगे आमतौर पर यह एक अत्यंत दुष्कर कार्य है और बहुत सारे विद्वान कुछ पहलुओं के विश्लेषण के आधार पर इस बात की व्याख्या करने की कोशिश करते रहे हैं कि भारतीय राज्य की प्रकृति को किस रूप में व्याख्यात किया जा सकता है और इस प्रकृति को व्याख्यात करने के संदर्भ में वे राज्य और जनसंख्या के विविध समूहों की अंतर क्रिया पर भी ध्यान देते रहे हैं यह जो पूरी परिघटना है शायद उसका विश्लेषण सत्तर के दशक में या साठ के दशक में ज्यादा आसान था जब कांग्रेस प्रणाली जैसी किसी परिघटना के आधार पर चीज़ों की व्याख्या की जा सकती थी लेकिन बाद के दौर में चूंकि अलग अलग तरह के समूह सामने आने लगे जिस आदर्श रूप में संस्थाओं से काम करने की उम्मीद की गई थी संस्थाएं उस आदर्श रूप से अलग हटने लगी, तो बाद के समय में इस तरीके से भारतीय राज्य की प्रकृति का विश्लेषण एक दुष्कर कार्य बन गया है मैंने आज की इस पूरे प्रजेंटेशन में कोशिश यह की कि भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में जो कुछ प्रमुख व्याख्याएं हैं उनको संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख सकूं। और आ, मुझे लगता है कि आ, कुछ और ऐसे प्रयास हैं जिन्हें इस पूरे विश्लेषण में सम्मिलित किया जा सकता था लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैंने कुछ विशिष्ट प्रयासों की तरफ ही आपका ध्यान दिलाया और मुझे ये उम्मीद है कि इसके बाद आप इन पहलुओं पर और ज़्यादा गहरा अध्ययन करेंगे और आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम संपूर्ण भारतीय राज्य की दशा और दिशा को समझना चाहते हैं तो उसे किस तरीके से देखा जा सकता है उसे किस तरीके से समझा जा सकता है और विभिन्न विद्वानों ने जो इस प्रकार की कोशिशें है की हैं उसकी सीमाएँ क्या क्या हैं ये जो आज का एपिसोड है वह भारतीय राजनीति भारतीय शासन व्यवस्था से संबंधित एक लंबी श्रृंखला का आखिरी एपिसोड है और मुझे यह उम्मीद है कि इस पूरी श्रृंखला से मैं आपको भारतीय राजनीति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचय करा पाया होगा कई ऐसे पहलू हैं जिन पर और ज़्यादा विस्तार से बात की जा सकती है या कहा जा सकता है कि उस पहलू पर उतनी गहराई से विचार नहीं हुआ या उसे वो इस पूरे सिलेबस में स्थान नहीं मिल पाया लेकिन इसके बावजूद जो कोशिश रही है वो ये कि संविधान और संविधान के प्रमुख प्रावधान कुछ प्रमुख संस्थाओं राजनीतिक दलों सामाजिक आंदोलनों और वैश्वीकरण के संदर्भ में जो भारत की बदलती हुई स्थिति है या जो धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न है सेकुलरिज्म का उन सब से जुड़े अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको एक सारगर्भित और संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो मुझे ये उम्मीद है कि ये इस पूरी श्रृंखला से आपको भारतीय राजनीति भारतीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान के बारे में एक सामान्य समझ बनाने में मदद मिलेगी और इससे आपको यह प्रेरणा मिलेगी कि आप इन विषयों से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को पढ़ें और अपनी समझ को और ज़्यादा अपने व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करूँगा और मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह पूरी श्रृंखला रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी नमस्कार